तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बस देवी, मेरी पूजा में अवरोध कर मेरा अपमान न करो। तो अपनी पूजा अपने शिवलिंग पर करो। शिवलिंग शिवलिंग होता है देवी, हमारा या आपका नहीं। महादेव तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई इन दूषित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। देखना चाहोगे? हमारे द्वारा आपकी पूजा अर्चना में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ वो हमारी भूल थी। हमारा ये आपसे निवेदन है, हमें हमारी पूजा करने का अवसर दिया जाए। क्या कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? पूजा विधि से नहीं, भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न होती है देवी। मैंने भी तुम्हारे समान कई विधि और प्रणालियों का अनुसरण किया है। अपने शरीर की अग्नि से तपस्या की, तो वर्षों तक भूख और प्यास को तिलांजलि दे इस भक्ति भाव में डूबा रहा। सभाव? शरीर से मुक्ति का भाव, नश्वत्व की अनुभूति का भाव, संसार में समानता का भाव। तो सुंदर और पवित्र मानकर भगवान को अर्पित कर दी, किंतु उसे एक दिन वैसे ही छोड़ दो, उसे भी दुर्गंध आने लगी। ये पवित्र और अपवित्र का भेद भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का है, वो शिव है अर्थात पवित्र है। आज हमें सत्य का परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें इस शरीर भाव से मुक्त होना ही होगा। हमें ज्ञान देने वाले गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।